अपने बाबू को फोन करके पूछ लू कहाँ पर है वो। हेलो, हेलो, कहाँ हो? मैं तो रूम पे ही हूँ। इतना लेट हो गया, अभी तक रूम पे ही हो? मैं निकल रहा हूँ, 5 मिनट में वही मिलना, पार्क में जा मिलते हैं। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी आओ, मेरे को वेट नहीं करना, पता है ना कितनी गर्मी है। 10 मिनट में पहुंचा, बस 10 मिनट में भी 10 मिनट पहुंचा। अच्छा ठीक है, मैं भी निकल रही हूँ। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय। चलो चलती हूँ मिलने के लिए, रेडी हूँ कब से। अरे बेटा शिवानी। हाँ पापा। जरा इधर तो आओ, पापा को भी अभी बुलाना था क्या? जी पापा। अरे बेटी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। आज सुबह सुबह रेडी हो गए? हाँ वो ना मेरे फ्रेंड्स हैं ना कुछ, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मूवी देखने चलते हैं। ओके, आज संडे का फायदा उठा रहे हो तुम लोग। अच्छा तो गाड़ी वाड़ी है तुम्हारे पास के अपनी फ्रेंड्स के साथ ही जाओगे? फ्रेंड्स के साथ में जाऊंगी पापा। मेरी गाड़ी ले जा सकते हो तो? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं आज गाड़ी चलाने का, तो आज मैं फ्रेंड्स के साथ में जाऊंगी। ओके, और कुछ पैसे वैसे हैं या? पैसे हैं पापा। पक्का? हाँ। तो कब तक लौटोगे आप? मैं आ जाऊंगी शाम तक, मैं शाम तक आ जाऊंगी पापा। शाम तक? हाँ जी। क्यों इतनी जल्दी जा रहे हो शाम तक? पता नहीं ना, उन लोगों का प्लान कहीं और जाने का बन गया तो। अरे चाय तो पी जा। नहीं माँ, मेरे को चाय नहीं पीनी, मैं जा रही, मुझे लेट हो रहा है। कुछ खाया इसने कि नहीं खाया? अभी तक कुछ नहीं खाया। चाय भी नहीं, कुछ खाया नहीं। मैं बाहर खा लूंगी पापा, देखो मैं कितनी मोटी हो रही हूँ, डाइट पे हूँ मैं। बेटे खाना जरूरी है, मोटा होना हो तो ये तो तुम्हारे हाथ की बात है, तुम चाहोगी तो जिम में जाके एक ही महीने में ठीक कर दूंगी। हाँ मेरे को पता है पापा, पर अभी मैं चलती हूँ, मैं आके बात करती हूँ आपसे। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओके ध्यान रखना अपना। ओके आप अपना ध्यान रखना। हाँ जी पापा। आप बाहर जा रहे हो, हम लोग घर में ही हैं। ठीक है पापा, बाय। बैठो बस, तुम चाय पी लो जब तक। कब प्रोग्राम बना लेते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। अच्छा तुम्हें भी नहीं बताया? नहीं मुझे भी नहीं मालूम, बस मैंने तो सोचा तुम्हें मालूम होगा। अब बड़ी हो गई है? हाँ बड़ी तो हो गई है। तो शादी वादी की भी बात चलाओ। शादी अभी क्या जल्दी है इसकी शादी की, अभी तो इसकी खेलने खाने की उम्र है। अरे लड़का ढूंढने में भी टाइम लगता है। हाँ मैंने अपने रिश्तेदारों में 2-4 आदमी को बोला है कि उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे, मगर तुम इतनी चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी एक ही तो बेटी है। जब तक आप अभी तुम्हें इसे भी भगाने की लगी है। ये भगाने की बात नहीं है, बात है टाइम से शादी करने की। अभी से आप ढूंढोगे तो 1-2 साल लग ही जाता है। हाँ हाँ मिल जाएगा, हमारे काफी रिश्तेदार हैं, दूर दूर तक हमारी रिश्तेदारी है। देखो देखते देखते भी 1-2 साल लग जाएगा। हाँ देख लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे तुम क्या सोचती हो कि मैं नहीं देख रहा हूँ? देख रहा हूँ मगर इतनी जल्दी भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है, देखते रहो ताकि कोई अच्छा लड़का मिले तो उसकी शादी की जाए। हाँ मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। अरे तुम चाय, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है? हाँ मैं ले लूँगी चाय। देखो आजकल जमाना तो बहुत ख़राब है, मैं इस बात से डरती हूँ, अपनी शादी हो जाएगी तो थोड़ा चिंता ख़त्म हो जाएगी। समझता हूँ कमला मैं तुम्हारी प्रॉब्लम, बाहर जाती है अब कहाँ जाती है, किससे मिलती है, ये कुछ पता तो नहीं है ना। कहाँ जाती है इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अरे अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, आजकल का ये जमाना है। अब घर में तुम उसे बांध कर रखोगी क्या? बांध के तो नहीं रखूंगी, फिर भी ध्यान तो रखना पड़ता है ना। अच्छा ठीक है, तुम ठीक कहती हो और मैं इस बारे में थोड़ा सा और जल्दी करूँगा, और मुझे अभी जाना है बाजार तो मैं भी निकलता हूँ, तुम अपना घर का देखो जाते। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। चलो मैं भी घर का काम देख लेती हूँ। अब मुझे तो बस यही चिंता लगी रहती है ना कि इसकी शादी हो जाए, अब बाहर के हालात बहुत खराब हैं। चलो जो होगा देखा जाएगा। चलो मैं भी अपना काम देख लेती हूँ।
चला गया है, अभी तक नहीं आया है। इतनी गर्मी हो रही है और मेरे को यहाँ खड़ा करके इंतज़ार करवा रहा है वो। पता नहीं कैसा प्यार करता है मुझसे, हमेशा ऐसे ही करता है, कभी भी जल्दी ही आता ही नहीं है बंदा। वो कहाँ है पता नहीं। एक तो ये गार्डन में भी इतनी गर्मी है, मुझे लगा था ये पेड़ पौधों के साथ में थोड़ा ठंडा महसूस होगा, लेकिन सब बेकार। इतनी लेट? अरे ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा लेट हो गया इसकी वजह से। तो मैं भी तो आई हूँ ना। अरे तो मैं निकला लेकिन लेट हो गया, कोई बात नहीं, सॉरी बाबा इसके लिए। हमेशा लेट करते हो और मुझे जल्दी बुला लेते हो। कोई बात नहीं, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा सॉरी, बताओ कहाँ चलना है, घूमने कहाँ चलना है बताओ। मुझे नहीं कहीं नहीं जाना इतनी गर्मी में। सॉरी बाबा सॉरी बोल दिया, चलो कहाँ चलना है घूमने बताओ। कहीं नहीं जाना मुझे। चलो अच्छा सॉरी बोला फिर भी, मतलब जहाँ लेके जाओगे तुम वहीं चल लूंगी मैं तो। चलो कहाँ लेके जाओगे? कोई नहीं, चलो फिल्म देखने चलते हैं। फिल्म? हाँ और क्या, फिल्म देखने चलते हैं। चलो कौन सी मूवी देखेंगे? देख लेंगे कोई सी, देख लेंगे जो लगी होगी। अब चल रहे हैं पीवीआर में, देखते हैं कौन सी लगी है। हाँ। हाँ? इतनी बकवास मूवी थी वो। यार क्या करें, मैं भी तो देख रहा हूँ, मैंने कहा अच्छी होगी, बकवास मूवी, बोर हो गया बिल्कुल मूवी देखते। इससे अच्छा तुम कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, क्लब चले जाते, कहीं चले जाते। हाँ चलते हैं अब, चलो फिर चलेंगे क्लब और कहीं। अब नहीं, बस अब थक गई, अब मैं घर जाती हूँ, मम्मी भी बोलेंगे पापा भी बोलेंगे कितना लेट हो गई। बोल देना कहीं गए थे घूमने, गए थे मेरे साथ, मत बताना और क्या। और वैसे भी पापा भी बोल रहे थे जल्दी आ जाइयो, इसलिए मैं। पापा से इतने क्यों डरते हो, बता देना पापा से, मेरे बारे में क्यों नहीं बता रहे हो? हाँ बताऊंगी। वैसे शादी का? शादी तो करनी है, आप जब बोलोगे तब कर लेंगे। चलो फिर अभी घर पे मिलने। चलो मैंने कम मना किया, शादी तो करनी है। चलो अरे कहाँ गए सब लोग, कोई नजर नहीं आ रहा। शांति? हाँ जी आई। अरे कहाँ हो, आओ भाई। कहाँ गए, आई नहीं अपनी बिटिया? अभी तो नहीं आई। बैठो। आपका काम हो गया? काम तो मैं कर ही आया अपना, और बाकी जो तुमने आज सुबह मुझे बोला था मैंने उसके बारे में भी आज चर्चा चलाई, तो दो तीन जगह से रिश्ते आए हैं। अरे देखते हैं जो उसके नसीब में होगा वहां उसकी बात बन जाएगी। चलो अच्छा है, जहाँ अच्छा लगेगा वहीं करेंगे। अरे हाँ तुम सही कह रही थी, वो वाकई में ज़्यादा लेट हो गई है, और वो कुछ ज़्यादा ही आजकल दोस्तों के साथ घूमने लगी है। हाँ मैं कुछ देखती हूँ तभी तो बोलती हूँ। हाँ तुम सही कहती हो, अब उसके जल्दी ही शादी कर देंगे। पापा मम्मी मैं आ गई। अरे आ गए तुम? नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते, ये मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा ये मम्मी है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। पापा बैठो, तुम आइए बैठो, मिक्स चेयर लेके आती हूँ। ठीक है शांति, तुम इनके लिए चाय बना कर लेके आओ। ठीक है मैं भी आती हूँ। हाँ तो कृष्णा तुम क्या करते हो? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं किस चीज़? ये मारुति कंपनी है। मारुति कंपनी? हाँ जी। वेरी गुड। किस पोस्ट पे? एज ए सुपरवाइजर। सुपरवाइजर वेरी गुड।
अच्छा शाल आपका अच्छा आपका दोस्त कैसे लगे? अच्छा तो अच्छा लगा मुझे कृष्णा से मिलके। वो तो लगना ही था ना, वो है इतने अच्छे। वेरी गुड। पापा मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटी बोलो। मैं कृष्णा से प्यार करती हूँ। अच्छा तुम कृष्णा से प्यार करती हो? और शादी करना चाहती हूँ पापा। क्या कृष्णा तुम भी मेरी बेटी से शादी करना चाहती हो? हाँ अंकल मैं भी शिवानी से प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ इसी से। तो देख लो ये तुम लोगों का फैसला है और जो मेरी बेटी की हाँ है तो फिर मैं कैसे ना कर सकता हूँ। बाकी इसकी मम्मी है वो आ जाती है और उनसे भी बात कर लेती है। हमारी शिवानी बेटी ने कृष्णा को पसंद किया अपनी शादी के लिए। पापा मैं भी आती हूँ। ओके सच में? हाँ तो इन दोनों की हाँ है और अब तुम्हारा फैसला क्या है तुम बताओ। जो आपका फैसला है वो मेरा फैसला। भाई मेरा फैसला तो इन बच्चों के साथ है। अगर इन बच्चों की हाँ है तो उसमें हमारा और आपका। वैसे बेटी तुम्हारी कास्ट क्या है? मैं छोटी जात वाले से लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। अरे मेरी बेटी की शादी मैं किसी अच्छे घराने में करूंगी, ऐसे थोड़ी कर दूंगी किसी से भी। आंटी देखो जो हमारी कास्ट है वो तो मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं शिवानी को हमेशा खुश रखूंगा, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, वो हमेशा उसे प्यार दूंगा। पर हम भी तो एक समाज में रहते हैं, हम क्या जवाब देंगे किसी को? मैं अपनी बेटी की शादी छोटी जात में नहीं कर सकती। आंटी हम आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे शिवानी को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, हमेशा 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 उसे खुश रखूंगा मैं। देखो बेटे मैं जानता हूँ कि तुम शिवानी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन हम समाज में रहते हैं और समाज में ये सब नहीं चलता है। तुम आजकल के पढ़े लिखे बच्चों के पीछे हम अपने समाज से अलग नहीं हो सकते, तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और कृपया करके हमारे घर से चले जाइए और दोबारा अपनी शक्ल यहाँ पर मत दिखाना, ना मेरी बेटी को। सॉरी अंकल। शिवानी तुम अपने कमरे में जाओ। हे भगवान क्या हो गया आजकल के बच्चों। मैं तो आपको पहले ही बोल रही थी। अब मुझे शांति जल्द से जल्द इसकी शादी करनी पड़ेगी वरना ये लड़की कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। हाँ शादी तो करनी पड़ेगी। मैं कल ही सुबह जाता हूँ और इसके रिश्ते की बात इसकी शादी का दिन ही तय करके आ जाता हूँ। ठीक है। हाँ चलो मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लो। नहीं मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अरे खाना नहीं खाओगे तो काम कैसे करोगे? मैंने कहा ना मैंने खाना नहीं खाना है, तुम जाओ और अपना काम करो। चलो ठीक है। कृष्णा मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, और मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, मुझे पता नहीं था। मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे ही शादी करनी थी और तुमसे ही करूंगी मैं शादी। ये जात पात मैं तो मानती भी नहीं हूं, ये मम्मी पापा जात पात मानते हैं, आजकल के टाइम में कौन देखता है जात पात? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पर मुझे खुश रखेगा इतना मुझे पता है। मैं अभी फोन करती हूँ उसको।
हेलो हेलो, अब क्यों फोन किया आपने? जो होना था वो तो हो ही गया ना। अरे इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। नहीं, आपने ही बोला ना चलो घर मम्मी पापा से मिलाते हैं, यही मिलाया आपने। इंसल्ट कराना चाहती थी आप मेरा वहाँ ले जाके। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत जब, समझ रहे हो। जब आपने बेटू बात नहीं किया था तो फिर आपने क्यों मुझे लेके घर ले गई? जब आपने पहले नहीं बात किया था अपनी मम्मी पापा से, क्यों घर लेके गई मुझे? यही कराने के लिए आपने घर बुलाया था, मेरी बेइज्जती करवाने के लिए? मुझे माफ कर दो कृष्णा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। नहीं बेटू, मैं नहीं जानता, कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? प्लीज ऐसे मत बोलो ना, मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं हो सकता। आप फोन रख दो प्लीज, मेरा दिमाग डिस्टर्ब है, आप फोन अभी रख दो प्लीज, मुझे परेशान मत करो। प्लीज बेटू, मुझे परेशान मत करो, आप फोन रखो प्लीज। हेलो 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 कृष्णा, हेलो, फोन भी काट दिया। बेटा मैं भी जानती हूँ कि तुम कृष्णा से बहुत प्यार करती हो, पर क्या करूँ, हमें तो यही रहना है ना, और समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा और हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हमें माफ कर देना। फिर एक स्कूल की बच्ची को उठा लिया दिन दहाड़े। हे भगवान, ये क्या हो गया आजकल लोगों, इतनी गुंडागर्दी, पता नहीं पुलिस कर क्या रही है आखिर। बच्चों को स्कूल के सामने से उठा लिया जाता है और मुझे तो मेरी बेटी का हमेशा डर लगा रहता है, और वो है कि मानती ही नहीं है। जब देखो पापा मुझे पिकनिक पे जाना है, दोस्तों के साथ जाना है, और ऊपर से तो मैं तो चाहता हूँ कि उसका रेगुलर कॉलेज ही छुड़ा कर ओपन से दिला दूं, ताकि घर में बैठ के अपना पढ़ाई कर लेगी। अरे ये किसका नंबर है, उठाता हूँ देखता हूँ कौन है। हेलो हेलो, कौन? शिवानी आपकी बेटी है? हाँ शिवानी मेरी बेटी है, आप कौन बोल रहे हैं? उसका किडनैप हो चुका है। शिवानी का किडनैप हो चुका है, क्या बकते हो तुम? आपको क्लू मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। क्लू? क्या मतलब है तुम्हारा क्लू से? उसका किडनैप हो चुका, अभी आपको वीडियो सेंड करूंगा। क्लू से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये लो बात करो। पापा पापा, शिवानी शिवानी मेरी बच्ची, कहाँ है तू शिवानी? पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। पता बेटा तू मुझे कहाँ है? पापा मुझे नहीं पता, ये एक कोई कमरा है। कमरा है? हेलो हेलो, अब यकीन हुआ आपको? तुम क्या चाहते हो और तुम हो कौन, और तुमने मेरी बेटी को उठाने की हिम्मत कैसे की? मैं कोई भी हूँ उससे आपको मतलब नहीं, मुझे 5 लाख रुपए और प्रॉपर्टी के पूरे कागज चाहिए। क्या बकते हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग ठीक है कि नहीं ये मत जानो, बस अगर पुलिस को बताने की जरूरत थी तो सिर्फ इसकी लाश मिलेगी आपको। हेलो 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 हेलो, हे भगवान, किस कमीने ने मेरी बेटी को उठा लिया? अरे शिवानी की मम्मी, शिवानी की मम्मी, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे शिवानी का किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? हाँ शिवानी का, अभी अभी मेरे पास किसी अनजान नंबर से फोन आया है और उसमें शिवानी की रोने की आवाज थी, और कहती है पापा मुझे बचा लो, पता नहीं वो किस मुसीबत में है। हम क्या करें भी? क्या करें, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस को फोन करना चाहिए। पुलिस को?
नहीं नहीं, पुलिस को फोन करना भी ठीक नहीं है क्योंकि इससे हमारी बदनामी होगी। मैं खुद ही ढूंढता हूँ। हाँ तुम एक काम करो। आप कहाँ ढूंढोगे? अरे मैं ढूंढ लूंगा। तुम एक काम करो, अपने भाई को ये नंबर सेंड करना, उसे बताना किस नंबर से बुलाया, वो जल्द से जल्द इसका पता लगाएगा। ठीक है मैं जाता हूँ। नंबर नोट कर लीजिए, मैं जाऊँगा, मुझे फोन चाहिए। ये नंबर लिखो जल्दी से। ठीक है मैं अभी लाती हूँ। एक सेकंड। हाँ बताओ। ये 98। एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो, कौन हो तुम? मैं कोई भी हूँ, उससे मतलब नहीं। मैं कहता हूँ मेरी बच्ची को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आप चिल्लाइए मत, मैं जितना कह रहा हूँ बस ध्यान से सुनो। मैं एड्रेस आपको बोल रहा हूँ, एड्रेस लिखो और उसमें पैसे और प्रॉपर्टी के कागज लेके आना। अगर कोई होशियारी की तो जान लेना आपकी बेटी की लाश ही मिलेगी। तुम बकवास मत करो और चुपचाप एड्रेस बताओ। जो तुम्हारे गांव का स्कूल है खंडहर जो हो चुका है, उसी के छत पे पैसे रख के चले जाना। और कोई होशियारी मत करना दोबारा, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कोई होशियारी नहीं। ठीक है, ये उसी कमीने का फोन था। क्या बोलना था? तुम किसी को बताना मत। और तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं? उसने 5 लाख रुपए और प्रॉपर्टी के कागज मांगे, वरना हमारी बेटी को जान से मार देगा। और भैया तुम तो जानती हो मैं अपनी बेटी से कितना प्यार करता हूँ। मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तो क्या अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगा, लेकिन अपनी बेटी को कुछ नहीं मांगूंगा। तुम जल्दी से जाओ, बैग और सारी बैग में 5 लाख रुपए और सारी प्रॉपर्टी के पेपर रख कर लेकर जल्दी जाओ, मुझे जाना है। इसमें मैंने पैसे और कार सारे रख दिए इसमें। ठीक है हाँ। मैं आता हूँ, सुनो तुम किसी को बताना मत कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और हमारी बेटी के साथ क्या हुआ। ठीक है, ये सब कुछ अपने तक ही रखना जल्दी। और हाँ, अब तुम अपने भाई के पास भी फोन मत करना क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। ठीक है ठीक है जी। मैं चलता हूँ, तुम मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। और हाँ सुनो, प्रार्थना करते रहना, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ ठीक है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मुझे तो पहले ही डरती थी मैं, पता नहीं अब क्या होगा। हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, किसने कर दिया ऐसा? हे भगवान मेरी बेटी को बचा लो। और आगे जाओ, और आगे, और आगे, इसी पे बैग रख दो, बस अब वहां से आप आराम से निकल जाओ बिना कोई होशियारी किए। आप जाओ वहां से। मम्मी, पापा, छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं प्यार करती हूँ तुम्हारे, छोड़ दो मुझे। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो ना। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। कितना प्लान बनाया हम लोगों ने, अब जाके अपने मकसद में कामयाब हो गए। ऐसा करते हैं, चलते हैं कहीं दूर, चलते हैं जहाँ कोई हो ना, हम दोनों ही हो बस। हम दोनों? हाँ। कौन हम दोनों? मतलब कौन हम दोनों? हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जो हमारी जरूरत थी ये था, अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है।
रुको। अरे मैं मजाक कर रहा था। अच्छा? मैं सीरियस नहीं था, मैं मजाक कर रहा था। ये सब कुछ हम दोनों का है। मजाक कर रहे थे? ये मजाक था बेटू, ये मजाक था। प्रॉपर्टी मेरा, ये और सब तुम मेरे साथ क्या खेलने लग गए? हम मजाक कर रहे थे, ये हमारा मजाक था। मैं आपसे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए घर छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी और मैं तुम्हारे साथ इस प्लान में शामिल हुई और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। मैंने, सॉरी बेबी, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। देखो बाबू, बाबू गोली चल जाएगी, गोली चल जाएगी। चलने में गोली नहीं बाबू, ये मजाक, हम दोनों, ये पैसा हम दोनों का है। तुम्हारे साथ तो बेटा यही होना था। अच्छा नहीं किया था तुमने मेरे साथ, तुमने मुझे धोखा दिया ना, और जिंदगी से हाथ धो बैठे। अब तुम यहीं पढ़ो और सड़ते रहो यहाँ पर। अभी तक आई नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गई, उसने छोड़ा भी है या नहीं छोड़ा। अरे तुम तो शुभ शुभ बोलो, आती ही होगी वो, मगर वो ये अभी तक आई क्यों नहीं, और शाम ज्यादा ने पता नहीं क्या किया। तू आ गई? हाँ? शिवानी कहाँ रह गई थी इतनी देर से? बेटा ठीक है तू? पापा मुझे माफ कर देना मम्मी, मैं अपने पापा का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैंने अच्छा नहीं किया आप लोगों के साथ में। कोई बात नहीं बेटे, जो भी हुआ चल, जो हुआ सो हुआ। तू सही सलामत है ना? बस हमें इसी बात की खुशी। अब मैं कभी भी आप लोगों को दुख नहीं दूंगी। कोई बात नहीं बच्चे, इस उम्र में अक्सर बच्चे गलती कर दिया करते हैं, तो माँ बाप का भी ये फर्ज है कि उन गलतियों को बुलाया जाए। पर पापा मैंने उसको मार दिया। क्या तुमने उसे मार दिया? हाँ। किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा। चलो ठीक है, हम कल ये शहर खाली करके हम अपने गांव चले जाएंगे। हाँ, हम यहाँ पर रहेंगे ही नहीं। ठीक है बेटी, ठीक है, तुम जाओ।